तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला 10 ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप बिना पढ़ाई किए एग्जाम्स में 100% मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, मजाक कर रहा हूँ, बहुत तेज हो रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईपीएल की 10 ऐसी टेक जो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो धोनी भैया की स्टंपिंग स्पीड और बॉल की स्पीड और छक्कों की डिस्टेंस, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, बैटरी वाला बैट, चीप वाली बॉल या फिर मिक्स रियलिटी हेडसेट, इनमें से दो सही है और एक गलत, कमेंट में बताइएगा कौन सा सही है, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को प्रेस करिए। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, 360 कैमरा। तो बेसिकली 360 कैमरा का इस्तेमाल पहली बार दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया था, दिल्ली और चेन्नई के मैच के बीच में। इसमें 100 से ज्यादा कैमरे रूफ में चारों तरफ लगाए गए थे जिसमें हमें डायनेमिक और रियल रिप्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो बेसिकली हुआ ये कि आईपीएल को पता चल गया कि मिस्टर 360 यानी एबी डिविलियर्स वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि 360 कैमरे लगा दिए जाए। तो उन्होंने 360 कैमरे लगा दिए जो कि काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल विजुअल्स दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है एलईडी बेल्स एंड स्टंप। तो पहले लकड़ी के बेल्स और स्टंप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धोनी भैया हर मैच के बाद स्टंप घर उठा के ले जाते थे, तो उन्होंने सोचा कि अब एलईडी बेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने एलईडी बेल्स का इस्तेमाल कर दिया और ये एलईडी बेल्स अगर बॉल टच होती है या फिर कोई उसको टच करता है या फिर बेल्स स्टंप से अलग होते हैं तो वो रेड कलर की लाइट जलने लग जाती है। तो बेसिकली होता क्या है, जितने भी बेल्स या स्टंप होते हैं उनके अंदर लो बैटरी लगी होती है जो कि मोशन सेंसर पे वर्क करता है। अगर कोई भी उनको टच करता है या बॉल टच होकर जाती या फिर बेल्स स्टंप से अलग होते हैं तो वो लाइट अप हो जाते हैं। तो बेसिकली ये लाइट 0.01 सेकंड में लाइट अप हो जाती है और इसका टोटल कॉस्ट 25 लाख है और बेल्स का कॉस्ट 2 लाख है। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट। तो बेसिकली हमारे फोन में हॉटस्पॉट होता है, लेकिन आईपीएल ने सोचा हम भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर इंफ्रारेड इमेजेस का इस्तेमाल करके ये सिस्टम वर्क करता है पूरी तरीके से, जिसमें बॉल अगर बैट्समैन के बैट या पैड से टकराती है तो उसमें हमको व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या, जितने भी हॉटस्पॉट होते हैं वो छोटी सी डिस्टेंस पे वर्क करते हैं, लेकिन जो आईपीएल में हॉटस्पॉट लगाए जाते हैं वो स्टेडियम के बाहर लगाए जाते हैं और वहां से वो पूरी डिस्टेंस को कैप्चर करते हैं, जो कि काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट है स्पाइडर कैम। तो बेसिकली स्पाइडरमैन ने अपनी मूवीज लाना बंद कर दिया, तो आईपीएल ने सोचा हम स्पाइडर कैम का इस्तेमाल करेंगे, तो उन्होंने पूरे स्टेडियम में स्पाइडर कैम लगा दिए। तो बेसिकली होता क्या है, वायर को चारों कोनों से अटैच किया जाता है और सेंटर में कैमरा होता है, वो कैमरा उसमें फिट होने के बाद में उसको रिमोट कंट्रोल से मूव किया जाता है उन वायर्स पे, जिससे हमें नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी, जो कि हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी पे वर्क करती। हॉटस्पॉट पे जहां इंफ्रारेड का यूज किया जाता है, यहां पर साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। स्टंप में लगा माइक उस ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, बाद में अल्ट्रावायलेट टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑडियो को साउंड वेव्स की तरह दिखाता है। बेसिकली ये जो माइक होता है काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। तो बेसिकली बॉल बैट या पैड से हल्की सी भी टकराई होगी तो वो उसमें रिकॉर्ड होता है और बाद में साउंड वेव में दिखता है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी वर्क करती है। नेक्स्ट है हॉकाई। हॉकाई और बॉल टेम्परिंग लगभग सेम है, जो कि ये बताता है बॉल कितने एंगल पे टर्न हुई और कितनी ज्यादा स्पिन हुई है। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल LBW में यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर ये पता किया जाता है कि बॉल स्टंप पे लग रही है या नहीं। तो इस टेक को यूज करने के लिए 7 कैमरे बाउंड्री के बाहर लगाए जाते हैं, जो अलग अलग एंगल पे लगे होते हैं, वहां से ये कैप्चर करते हैं कि बॉल कितनी ज्यादा टर्न हो रही है, कितनी ज्यादा स्पिन हो रही है और स्टंप पे लग रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें यहां से कैलकुलेट होती है। तो नेक्स्ट है DRS। ये इसका मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। ये दोनों टीमों के लिए होता है। अगर कोई भी टीम एम्पायर के डिसीजन से खुश नहीं है तो 15 सेकंड का टाइम उसको दिया जाता है, जिससे उस डिसीजन को वो रिव्यू कर सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी हॉकाई और अल्ट्रावायलेट के टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है, इन्हीं का यूज करके DRS का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्पीड गन। तो स्पीड गन ये बताती है कि बॉल की स्पीड कितनी है, जो भी बॉलर बॉल डाल रहा है। तो नेक्स्ट है रोबोट कैमरा टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब करते हैं जब भी प्लेयर्स या अंपायर इंटर करते हैं या फिर ग्राउंड पे कुछ ऐसा वैसा पड़ा होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर के कैमरे वर्क नहीं करते हैं तो मैच को कैप्चर करने के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कैमरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अलग अलग एंगल से मैच को कैप्चर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें कैमरे पूरे ग्राउंड में रोल करते रहते हैं और मैच को कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट है सिक्सेस की डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो होता क्या, जब भी कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो एक पर्सन जाता है बॉल तक, उसकी डिस्टेंस वहां से मेजर करता है, तो ऐसे सिक्सेस की डिस्टेंस पता करते हैं, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, जब भी कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो ये देखा जाता है कि बॉल किस एंगल से जा रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या है। तो s = ut + half t square के फॉर्मूले के बेस पे ये चेक किया जाता है कि उस बॉल की डिस्टेंस कितनी है बैट्समैन से। तो इस तरीके से पता किया जाता है एक सिक्स की डिस्टेंस कितनी होती है। मेरी तो मैथ कमजोर है, आप सोच रहे हो मुझे इतना कैसे पता, तो मुझे गूगल ने बताया। तो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि बैटरी वाला बैट या चिप वाली बॉल या फिर मिक्स रियलिटी हेडसेट, इनमें से दो सही थे और एक गलत। तो वो थर्ड है बैटरी वाला बैट गलत है। तो अगर बैटरी वाला बैट होगा तो उसकी वजह से बैट काफी ज्यादा भारी हो जाएगी और उससे बॉल काफी दूर तक भी नहीं जाएगी, तो इस वजह से बैटरी वाला बैट गलत है।
तो दैट्स इट गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, बाय।